When you're very close to the examination, 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद एग्जाम है, तो it is fine. I mean, you are running a particular schedule or ठीक है, but for long term, this is a very bad idea. I mean, you must have some cardio done. कुछ ऐसा काम करे, कार्डियो करे, जिससे हार्ट पंप्स फ्रेश ब्लड टू योर ब्रेन एंड ऑल दोज न्यूरॉन्स हैं वो पैदा हो, या फिर आर्टेरियल्स में फ्रेश ब्लड जाए. आई थिंक देर शुड बी सम फिजिकल एक्टिविटी विच आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू द स्टूडेंट्स. एंड बट आपको बताओ, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, स्टेक्स बड़े हैं, तो बच्चे दे स्टार्ट कंप्रोमाइजिंग लिटिल बिट ऑन हेल्थ. सो आई थिंक आई डोंट माइंड इफ दे डू इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, बट अदरवाइज during preparation I don't think this is a good idea. Okay, so mental fitness and physical fitness is also important for this exam. Yes, absolutely. A healthy mind would only reside in a healthy body. Exactly. So aisa nahi ki aapko sirf isse kaam le rahe isko sone nahi de rahe, exercise nahi de rahe, aur thode socialization nahi de rahe. They all very much part of it. Acha khana, acha sona, meditation karna, these are all very much part of thoda cardio karna, these are all very much part of the same game plan. Preparation. Sir, actually, why you came into in this field, sir? आपको क्यों लगा actually एक IAS academy रखना है बोल के? I don't know. I gave this exam once, और मुझे लगा कि मुझसे नहीं हो सकता है. और and I wanted to be a teacher, and I had an exchange program में मैं Australia चला गया था. अच्छा. वहाँ पे लगा कि कुछ पढ़ाने का कीड़ा काट लिया. तो मुझे लगा कि ये किया जा सकता है. फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया, और फिर वापस आने के बाद आई वॉज अलाउड बाई सम कोचिंग इंस्टीट्यूट कि वहाँ पे मैं पढ़ा सकूँ. उसके बाद से मुझे लगा कि दिस इज़ द थिंग विच आई कैन डू बेस्ट. एंड इनफैक्ट हमारे रिलीजन में तो ये ऑप्शन नहीं है. इफ़ देर इज़ अ गॉड परमिट्स मी, आई वुड लाइक टू बी बॉर्न द सेम पर्सन डूइंग द सेम जॉब अगेन. I love this job. Sir, can you tell us about your family and all? I have my daughter and my son and my wife, and she's the boss of the house. And she takes care of us, and then she has dedicated herself. Sir. And that's why I'm sitting and talking to you. What about your parents, sir? My parents are living in Delhi, and then they are also the source of inspiration for me. Okay. And in fact, I have I've been supported by my extended family also for doing this. In fact, पूरे family में सबसे कम काम मैं करता हूँ. And then that's the privilege that I have enjoyed because of the support of my brothers, cousins, my wife, my kids, my parents, and I've been extremely fortunate to enjoy what I'm love to do it, True. Teach and meet people. आपका घर में कोई civil servant है sir? मेरे घर में आई कुड इम्प्रेस माय डॉटर टू गिव दिस एग्जामिनेशन. शी इज शी लिव्स आउटसाइड द कंट्री एंड देन दे आर हैप्पी देयर. सर, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट फाउंडेशन कोर्सेस? एक्चुअली इज इट रियली यूजफुल फॉर द एस्पिरेंट्स? फाउंडेशन किसी भी बिल्डिंग के लिए जरूरी होती है. तो अगर आप कुछ बड़ा बिल्ड करना चाहते हैं तो फाउंडेशन तो अच्छा होना चाहिए. क्योंकि अगर ऊपर से आप लोड कर दे और फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो यू कैन नॉट सस्टेन, वो गिर के फाउंडेशन बन जाता है. तो इट इज बेटर दैट कि आप फाउंडेशन बना करके आगे चले. फाउंडेशन कोर्स जो बड़े रिजल्ट लाते हैं आप देखेंगे, मोस्टली वो बच्चे होते हैं जिन्होंने कोचिंग और फाउंडेशन किया होता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, चाहे वो थोड़े टाइम पे किया हो या कुछ भी किया हो. दैट रियली हेल्प्स देम टू गेट अ डायरेक्शन टू मूव. हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी एवरी ईयर यू विल फाइंड, क्योंकि GS बहुत अमॉर्फस है. आपने बीटेक कर रखा है, आपने लॉ कर रखा है, हिस्ट्री कर रखी है, इकोनॉमिक्स कर रखा है, GS किसी ने नहीं कर रखा. अनलिमिटेड दिस थिंग. यस, इसीलिए वो GS को एक डायरेक्शन शेप देने के लिए इट इज एडवाइज दैट दे पीपल शुड डू दिस. दे कैन डू इट देमसेल्व्स, बट देन इट टेक स्लाइटली लॉन्गर. जैसे हम पहले पूछ पूछ के भी पहुंच जाते थे ना कहीं, अब GPS है तो थोड़ा पता लग जाता है कैसे. सो कोचिंग इज अ GPS कर्सर, आई वुड से. अपार्ट फ्रॉम दिस सर, स्किल भी रहने का बहुत ज़रूरत है आजकल. सो उसके बारे में अपने पास क्या मिलता है बोले तो सर? स्किल के लिए आपको, देखो आपको गाने का बोलूँ तो डोरे मी फासो लाटी खत्म. सारे का मैं पादे नहीं, मैं सारा खत्म हो जाता है. सही है. लेकिन सा को साधने में जिंदगी लगा देते हैं लोग. तो स्किल आप
को बार बार करने से एंड इफ़ यू हैव ए गुरु हु कैन टेल यू दैट ये नोट यहाँ पे गलत लगा रहे हैं, ये आपने आंसर में ठीक नहीं लिखा, इसको तो मांगा नहीं था क्यों लिख दिया, ये तो आप लिख रहे हो जवाब थोड़ी हुआ. सो दीज स्मॉल स्मॉल करेक्शंस दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट इज एबल टू डू, आवर टीम इज एबल टू कंट्रीब्यूट, दैट रियली हेल्प्स देम टू रीच टू द गोल इन ए ऑप्टिमम सेंस ऑफ द टर्म. इंस्टेड ऑफ भटक करके पहुंचे थोड़े ऑप्टिमम रूट से, सीधा रूट तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन थोड़ा भटकाव कम कर देते हैं एंड हेल्प देम इन स्किलिंग, बिकॉज वी हैव सीन व्हाट वर्क्स एंड वी हैव सीन एट अ वेरी हाई लेवल विद द टॉपर्स कि इन टॉपर्स का ये सब काम करता है, एंड वी अपडेट आवरसेल्व्स वेरी वेरी रेगुलरली, इनफैक्ट एवरी डे, सो दैट वे वी आर एबल टू गिव टू द स्टूडेंट कि इस साल ये चल रहा है. एंड आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम माई ओन स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, दे टीच मी अ लॉट कि हमने ऐसे किया था, सो वी ऑल्सो कीप ऑन री इन्वेंटिंग आवरसेल्व्स. KSG that we had last year is not the same KSG this year. And I promise that subsequent year, it will again not be the same KSG. We keep on inventing, reinventing ourselves. In generally, sir, आपका academy में UPSC aspirants के लिए कैसा career लेते हैं आप लोग? UPSC का career तो एक exam है जिसके अंदर you have got 21 services are offered. So depending on the nature of result they have got, the rank they have got, they would be in a position to really identify के कहाँ पे उनको कौन सा job मिलेगा. किसी को IFS पहले पसंद होता है, किसी को IAS mostly पसंद होता है, किसी को IFS पसंद होता है, उसके बाद जैसे भी rank आता है उनको उसके हिसाब से नौकरी मिल जाता है. बट एक चीज़ ये ज़रूर बता दूँ, चाहे वो postal हो, चाहे railway हो, चाहे audit हो, चाहे customs हो, चाहे income tax हो, चाहे foreign service हो, India में highest entry के लिए इससे ऊपर का कोई भी जॉब नहीं है. और जो आपके ऑडियंस है जो मुझे सुन रही है और इस एग्ज़ाम के बारे में सोच रही हैं, उनके मैं एक सी बता दूं कि उनके वर्किंग फेज में ही दिस कंट्री विल बिकम ए डेवलप्ड कंट्री. ये अमृतकाल 2047 में जब ख़त्म होता है तो आई एम श्योर दिस कंट्री वुड बिकम ए डेवलप्ड नेशन. अगर आपको इस कंट्री के इस जर्नी में डेवलपिंग से डेवलप्ड में कुछ अगर कंट्रीब्यूट करना है, this exam probably is the best exam you can ask for in this country. सारी IAS academies hub हैं अशोक नगर, आप जो रखा है वो हिमायत नगर पे, क्यों अलग से इतना दूर क्यों रखा है आपने? अलग है ना केस जी, आप ये देखो हम लोग दिल्ली से चलकर यहाँ तक आ गए. सही है, अब हमारे लिए अगर हमारे में क्वालिटी होगी तो थोड़ी दूर और चलकर तो लोग रह जाएंगे. No, I think we wanted to give them a good ambience and the space that we needed. Yes. And that was available at that place. So, इसलिए हमने वहाँ पे कर दिया है. And I think students are coming there. And then I'm very happy to say that we are able to attract some good students. Yeah. बहुत जल्दी हम लोग कुछ बहुत बड़े नाम यहाँ से बता पाएंगे कि यहाँ के student ने पास किया है. हैदराबाद में अशोक नगर पे बहुत लोग IAS academies हैं. So, आपका आपके पास क्यों एक स्टूडेंट आना है बोले तो क्या बोलते हैं आप? देखिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट डिफरेंशिएटर कैसे हो सकता है ये देखना चाहिए. यस सर. एक तो दे शुड ट्राई एंड सी एज टू हाउ दो स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड और आर स्टडिंग हाउ दे आर फीलिंग अबाउट इट. उनके देखें कि टीम में कौन कौन से लोग हैं, टीचर्स कैसे हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करें. फैकल्टी का कि वो फैकल्टी कहाँ से आते हैं. yes, yes. उनके क्रेडेंशियल्स क्या है. जी. इसके बाद आप देखें कि उनका रिजल्ट कैसा रहा है, क्लासरूम के स्टूडेंट का रिजल्ट कैसा रहा है. वैसे रिजल्ट दिखाने के लिए तो कहीं से भी कोई किसी भी टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट हो सकता है या इंटरव्यू का स्टूडेंट हो सकता है, इसको दिखा सकते हैं आप. जी. बट अगर वो क्लासरूम के स्टूडेंट का अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो देखना चाहिए. इसके बाद उनको खास करके ये देखना चाहिए कि मेरे को ये विद्यार्थी बना रहे हैं या परीक्षार्थी बना रहे हैं. तो केजी में हम उनको परीक्षार्थी बनाते हैं. वी हेल्प देम पास द एग्जामिनेशन, नॉट गिव देम मोर इन्फॉर्मेशन. वी गिव द सेम इन्फॉर्मेशन विद अदर्स कैन गिव, वी गिव द सिमिलर बुक दैट अदर्स कैन गिव, बट वी हेल्प देम होन द स्किल ऑफ आंसर राइटिंग एंड दैट इज आवर बिगेस्ट USP एंड दैट आई डू इट पर्सनली फॉर ऑल द सेंटर्स. जैसे मैं आज यहाँ पे हूँ आपके पास हैदराबाद में, सो आई मीट स्टूडेंट्स एंड इनको जाकर बताता हूँ मैं. तो दिस इज वन थिंग विच इज वेयर माई एक्सपीरियंस, आई मे बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन डूइंग जनरल स्टडीज इन द कंट्री, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेफिनेटली. तो मुझे पता है कि कैसे हाउ दिस जनरल स्टडीज इवॉल्व किया है इन UPSC. 30 इज अ लॉन्ग टाइम. And then I give them what my experience has been over the years. So you give smart work
than hard work. Obviously, smart works work better than hard work, yes. True. बट हार्डली वर्क भी होता है, कुछ लोग करते हैं, उनको कैसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए. वी आर अ वेरी कमिटेड टीम एंड वी एक्सपेक्ट ओनली दोज हु आर विलिंग टू वर्क हार्ड शुड ज्वाइन अस.